नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फारूक कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट सेट जाए पर किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किताब पियर्सन पब्लिकेशन का केवीएस मैडम के द्वारा लिखी गई है और ये 2021 एडिशन का है, ठीक है। तो इस किताब का लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है रिसर्च एप्टीट्यूड का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका थर्ड वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, द हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टडीड इन ऑप्शन नंबर सी जनरल टर्म्स, ठीक है। जनरल टर्म्स में हाइपोथेसिस नहीं होता है, आपका डिक्लेरेटिव टर्म्स में होता है, नल हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स होता है और डायरेक्शनल टर्म्स में होता है। 162, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड यू बी लिस्ट लाइकली टू इंक्लूड रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लिस्ट लाइकली टू इंक्लूड रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आपका बाकी इंटरवेंशन से चाहिए, एसोसिएशन रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। 163 है, द बेसिस ऑन विच द अजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, यूनिवर्सिटीज एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द टेस्ट। 164 है, नल हाइपोथेसिस। तो आपका नल हाइपोथेसिस ऑप्शन नंबर ए, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस इज व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। रिसर्च हाइपोथेसिस आर ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कंफर्म्ड और रिफ्यूटेड। तो रिसर्च हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कंफर्म्ड और रिफ्यूटेड। 166, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, तो ए ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड। 167 है, गुड रिसर्च क्वेश्चन आर, तो गुड रिसर्च क्वेश्चन आर ऑप्शन नंबर बी, फिजिबल क्लियर सिग्निफिकेंट एंड एथिकल। गुड रिसर्च क्वेश्चन आर फिजिबल क्लियर सिग्निफिकेंट एंड एथिकल। 168 है, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चेबल क्वेश्चन इज, तो द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चेबल क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन डेट कैन बी कलेक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर ए क्वेश्चन। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन डेट कैन बी कलेक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर ए क्वेश्चन। 169 है, ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी, तो ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे डेट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डाटा। 170 है, स्टेटमेंट और आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको बताना है इसमें से कौन सा चाहिए। तो रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट पोस्टुलेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट ऑफ द वेरिएबल, ये आपका गलत है। और आपका स्टेटमेंट दो चाहिए, रिसर्चर सेट अप ए नल हाइपोथेसिस सो दैट डिडक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी टाइटली टेस्टेड, ये आपका सही है। आपका स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। 171 है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट रिक्वायर्ड ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिकल स्टडीज में आपका कोई जरूरत नहीं था हाइपोथेसिस का, बाकी सर्वे मेथड में एक्सपेरिमेंटल मेथड में और नॉर्मेटिव स्टडीज में होता है। 172 है, एन ऑपरेशनल डिफिनेशन इज, तो एन ऑपरेशनल डिफिनेशन ऑप्शन नंबर सी, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एंड एम्पिरिकल मेजर। तो एन ऑपरेशनल डिफिनेशन इज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एंड एम्पिरिकल मेजर्स। 173 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इन द रिसर्च रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी, इट समराइजेस द की फाइंडिंग इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चन। तो इट समराइजेस द की फाइंडिंग इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चन। 174 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टेटिंग हाइपोथेसिस, तो ऑप्शन नंबर ए, इट फोर्सेस द रिसर्चर टू थिंक मोर डीपली एंड स्पेसिफिकली अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ द स्टडी। तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टेटिंग हाइपोथेसिस, इट फोर्सेस द रिसर्चर टू थिंक मोर डीपली एंड स्पेसिफिकली अबाउट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ स्टडी। 175 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज ए मोर इफेक्टिव देन लेक्चर इन द एलिमेंट्री क्लासरूम। 176 है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन, तो ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। 177 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, इट इज अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन, द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज अननोन, इट मस्ट बी जनरलाइजेबल। क्वेश्चन आपका 128 है, इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च,
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स वुड बी, तो इन मिक्स्ड मेथड मेथड इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स वुड बी ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड। 179 एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इवेंट्स और थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इवेंट्स और थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल। 180 ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू एस्टैब्लिश वेदर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ ग्रुप्स टू बी इंटररिलेटेड इज ऑप्शन नंबर सी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो वेन स्टडिंग एन एक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट गिवन टू ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। 182 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट विद डिस्क्राइब एज ए कैटेगोरियल वेरिएबल ऑप्शन नंबर डी रिलीजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट विद डिस्क्राइब एज ए कैटेगोरियल वेरिएबल ऑप्शन नंबर डी रिलीजन। 183 है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए द मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल। 184 है द ए मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, तो ए मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी एक्टिव वेरिएबल। कुछ आपका 185 है कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स सर। तो कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स सर एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स सर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स सर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 186 है द बिहेवियर दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द बिहेवियर दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ऑप्शन नंबर सी डिपेंडेंट वेरिएबल। 187 है दिस टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च स्टडीज द सेम इंडिविजुअल्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। दिस टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च स्टडीज द सेम इंडिविजुअल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ट्रेंड स्टडी एंड पैनल स्टडी। 188 है an example of a categorical variable is, so an example of a categorical variable option number a teacher's hair color. ठीक है, 189 which variable are those that a researcher choose to study in order to assess their possible effects on one or more than more other variable. So which variable are those that a researcher chooses to study in order to assess their possible effects on one or more other variable option number b independent variable. 190 नंबर क्वेश्चन ए कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर इज वेरिएबल। तो ए कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल। 191 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी एज टेंपरेचर इनकम एंड हाइट एंड ग्रेड पॉइंट टू एवरेज एनर्जेटिक लेवल एंड रेटिंग परफॉर्मेंस एंड जेंडर रीजन एंड एथनिक ग्रुप। ये आपका तीन हो जाएगा। 192 है इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वलिटी ऑफ यूनिट्स आर मेजर ऑप्शन नंबर सी इंटरवल। तो इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वलिटी ऑफ यूनिट्स आर मेजर ऑप्शन नंबर सी इंटरवल। 193 है वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस, तो वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस ऑप्शन नंबर डी टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल। 194 है ए वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू कॉज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ए वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू कॉज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 195 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन रिसर्च स्टडी ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। 196 है इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी। तो इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन ऑप्शन नंबर इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व और विच इज नॉट मैनिपुलेटेड। 197 है द वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज डन टू इट बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट। तो दिस वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज डन टू इट बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट। 198 है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर एसेंशियली ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो इस टाइम ये वेरिएबल्स आर इसेंशियली ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। 199 दिस वेरिएबल्स आर दोस दैट आर क्रिएटेड बाय द रिसर्चर एंड आर टाइपिकली फाउंड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज, ऑप्शन में भी मैनिपुलेटेड। तो दिस वेरिएबल्स आर दोस दैट आर क्रिएटेड बाय द रिसर्चर दैट आर टाइपिकली फाउंड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ऑप्शन में भी मैनिपुलेटेड। ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन इन ऑन रोट मेमोरी, इन दिस एक्सपेरिमेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑप्शन बी रोट मेमोरी स्कोर्स। तो एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन ऑन रोट मेमोरी, इन दिस एक्सपेरिमेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑप्शन बी रोट मेमोरी स्कोर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों एक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।